नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देहरादून उत्तराखंड में टोंस नदी के किनारे स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। कैलाशपति भगवान शिव के इस अद्भुत मंदिर में आकर भक्तों को बहुत प्रसन्नता होती है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का आवागमन लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं भी अपने परिवार के साथ सावन में यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आया हूँ, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर कैसा है। पौराणिक मान्यता है कि आदिकाल में भगवान शिव ने देवताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ उनको देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। यह भी मान्यता है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्यास्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी को पुत्र प्राप्ति हुई। एक दिन बालक अश्वत्थामा ने दूध मांगा, परंतु दूध नहीं मिला, जिसकी वजह से अश्वत्थामा ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुफा में से ही दूध की बूंदें टपकाई, जो कि कलयुग की शुरुआत में पानी में बदल गई। इसी वजह से इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव रखा गया है। इसी स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान भी है। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा प्रदान की। आज यहाँ भक्तों के बीच इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। शिवरात्रि के समय यहाँ पर मेला भी लगता है। समय के साथ साथ इस मंदिर में धीरे धीरे और भी देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए। यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थित है, और साथ ही यहाँ पर वैष्णो देवी की गुफा का भी निर्माण किया गया है। साथ ही में काली माता का मंदिर भी यहीं पर है। ये एक परिक्रमा है, सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, उसके बाद माता के मंदिर में जाइए, उसके आगे वैष्णो देवी की गुफा में दर्शन करके काली माता के दर्शन कीजिए, और अंत में वापस मंदिर के मुख्य द्वार पर आप पहुंच जाएंगे। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है, और आज मैं अपनी फैमिली के साथ देहरादून में जो टपकेश्वर महादेव टेम्पल है वहाँ पर आया हूँ, और हमने आज यहाँ पर दर्शन किए हैं, और अभी हम पूरा मतलब मंदिर घूम लिए हैं, दर्शन कर लिए हैं, अभी हम थक गए हैं। तो मंदिर में आज बहुत भीड़ भी थी, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है, तो सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। और मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं, और उसके बाद फिर उसके आगे जाकर एक दूसरा जो मंदिर है साइड में, वहाँ पर माता रानी हैं, और उसके आगे वैष्णो देवी हैं, और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन किए हमने, और बीच में एक नदी है। तो मतलब बहुत ही यहाँ पर डिवाइन एटमॉस्फेयर है, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और बस अब थोड़ा सा अभी हम थोड़ा थक गए थे, तो इसलिए अभी हम रेस्ट कर रहे हैं बैठे हुए, इसके बाद अब हम चले जाएंगे। तो अभी शाम होने वाली है, तो इसके बाद में बस में बैठ के और फिर अपना घर चले जाएंगे। तो मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई है, तो मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी, और आप भी यहाँ पर आएँ और भोलेनाथ जी के दर्शन करें। ये भोलेनाथ जी का जो मंदिर है, मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आप देहरादून आएँ तो आपको बल्लूपुर चौक पर आना है। बल्लूपुर चौक से
आपको एक टेम्पो या फिर शेयर्ड ऑटो मिल जाएगा और यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, या आई थिंक दो ढाई कह सकते हो आप। हाँ, और आप सीधा 5 से 10 मिनट के बीच में पहुँच जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे आना है और बहुत इजीली आ सकते हैं आप। देहरादून के बीच में ही हैं, ज़्यादा दूर में नहीं है, तो ठीक है। मैं चाहता हूँ आप आएँ यहाँ पर और दर्शन करें अपने फैमिली के साथ। तो धन्यवाद। जय भोले, जय बाबा की।